हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के सेकेंड पार्ट के अंदर जो मेन बातें हैं मैं उसमें एक नेक्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती वो हम लेते हैं। इन दोनों के बारे में सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसके अंदर ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई होगा तो ये आपके सममित मैट्रिक्स होगी। कैसे? यानी कि ए वन टू इक्वल टू ए टू वन, ए टू थ्री इक्वल टू ए थ्री टू, ए वन थ्री इक्वल टू ए थ्री वन। अगर ये कंडीशन बराबर हो, इन इन प्लेस पर जो डिजिट्स है वो अगर इक्वल हैं तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स। इस कंडीशन को आप इस मैट्रिक्स ए के अंदर देख लीजिए, ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। तो आप देख लें ए वन टू इक्वल टू ए टू वन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो आपके वन टू इक्वल टू टू वन है, ये दोनों आपके इक्वल है तो हम इसको माइनस वन कहेंगे। फिर यहाँ थ्री टू थ्री इक्वल टू, तो ये टू थ्री वाली, तो आप देख लो ये आपके कौन सा हुआ वन टू और टू थ्री, तो ये इसके अंदर आपके ये और ये इक्वल हुआ, यानी कि टू थ्री बता रहा ना, तो इसके अंदर ये वन थ्री और वन और थ्री, तो ये और ये थ्री वन, तो आपके फाइव आ गया और ये आपके जो है ये दोनों आपके वन आ रहे हैं। मतलब ये वाला इसको छोड़ दें आप, ये वाला इक्वल हो और ये वाला इक्वल हो, तो आप देख लो ये बता रहा था मैं, ये एलिमेंट अगर इक्वल है तो उस केस में दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है, ध्यान रखना ये, तो ये वन आ रहा है। तो ये इस तरीके से एलिमेंट अगर इक्वल हो तो ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और दूसरी बात, अगर एक कोई मैट्रिक्स बी में ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई हो तो उस केस में वो आपके ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है ए वन टू इक्वल टू आपके माइनस का ए टू वन होना चाहिए, ए टू थ्री इक्वल टू ए थ्री वन थ्री टू ये भी माइनस का होना चाहिए और ए थ्री वन इक्वल टू माइनस का ए वन थ्री होना चाहिए। तो आप देख लो ये जो सेम टर्म थी, ये देख लीजिए प्लस और माइनस का फर्क है, ये वन टू और टू वन इक्वल वन थ्री और थ्री वन, ये इस तरीके से ये देख लो आप, खाली साइन का फर्क है, ये प्लस में ये माइनस में, और यहाँ पर भी ये माइनस में तो ये प्लस में आपके हैं, इसको छोड़ दें आप। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट है अपोजिट साइन में हो अगर, तो उस केस में यानी ये कंडीशन जब अप्लाई होती है तो ये कहलाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या फिर विषम सममित मैट्रिक्स। ये आपको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात आती है इसके अंदर कुछ इनकी प्रॉपर्टी है, ए प्लस ए टी और दूसरा है ए माइनस ए टी। ये जो होगा प्लस वाला तो ये होगा सिमेट्रिक और ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, सममित और ये विषम
सममित। तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, यानी ए और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर प्लस किया जाए यानी जोड़ा जाए तो एक सममित मैट्रिक्स आएगी, और अगर ए में से उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर माइनस किया जाए तो वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो ये इस तरीके से सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में आपको पता हो। इसके बाद में प्रतिलोम मैट्रिक्स यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं सबसे पहले ये 2×2 क्रम की जो वर्ग मैट्रिक्स होती है मैं उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, वैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना, प्रतिलोम मैट्रिक्स के लिए आपको इसका मोड निकालना पड़ेगा, और मोड क्या होता, 2×2 = 4 माइनस का, माइनस 4×4 = 16 माइनस के, यानी आप देखो कि माइनस का 20 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स बी एग्जिस्ट, यानी कि इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। इनवर्स निकालने से पहले आपको मोड निकाल के देखना पड़ेगा, अगर मोड ऑफ ए 0 नहीं है तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अदरवाइज ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं होगा। अब आपको क्या करना कि इसका जो ए इनवर्स फाइंड करना, तो देखिए आपको डायरेक्ट क्या करना, ये माइनस जो है 20 है आप इसको तो इसमें डिवाइड में कर दो, और यहाँ जो दे रखा है मैट्रिक्स आपको क्या करना, इन दोनों के तो प्लेस चेंज कर देना, इसके मतलब डायगोनल विकर्ण के जो एलिमेंट है इन दोनों के तो आपको प्लेस चेंज कर देना, माइनस वाला ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, बस एक फिक्स तरीका, ये यहाँ पर ये यहाँ पर, और इन दोनों में खाली इनके साइन चेंज कर देना। अब आप अगर चाहो तो इसको अंदर भेज दो तो ये आ जाएगा, इसको सबके अपॉन भेज दो तो ये 1/10, फिर ये 1/5, और ये 1/5, और ये -1/10, ये अपने इस ए का इनवर्स, बस ये आंसर। जैसे एक और ले ले, मैं कोई मैट्रिक्स ले ले, मान लो 1, 2 और 2 -1 दे रखा है, तो अब इसके अंदर भी आपको क्या करना, पहले आप मोड ऑफ बी निकाल लें, तो मोड ऑफ बी क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करें माइनस, फिर -2×2 = 4, तो ये -5, मतलब इसका मोड भी 0 नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स बी का भी इनवर्स का एग्जिस्ट है, मतलब बी इनवर्स बी एग्जिस्ट। अब बी इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको बताया क्या करना है, इन दोनों का तो आपको प्लेस चेंज करना, तो ये -1 और ये 1 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के आपको साइन चेंज कर देने, और यहाँ 1/5 में कौन जाएगा, ये -5, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/5 और 2/5, ये 2/5 और ये -1/5, इस तरीके से आपको बी इनवर्स या ए इनवर्स निकालना आ जाए। जो 2×2 क्रम की मैट्रिक्स होती है वर्ग मैट्रिक्स, उसका हम इनवर्स ऐसे निकालेंगे। ये मैंने 2×2 का लिया है, फिर 3×3 की जो वर्ग मैट्रिक्स होती है उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल इतना जल्दी से एक 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर उसका आंसर आ जाए, जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें आगे मैट्रिक्स के अंदर यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स जब ज्ञात करना होता है तो 2×2 क्रम की जो होती है उसमें तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन 3×3 में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको मैं बहुत जल्दी कैसे सोल्व किया जाता है मैं बता रहा हूँ। इनवर्स ऑफ ए यानी ए इनवर्स, आपके पास में 3×3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तो अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा इसका, तो 1×24 -25 -2×12 -15 +3×10 -12 इसको अगर सोल्व करें तो -1 आ रहा जो 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट है, पहली बात तो ये हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि
ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए होता है। तो ए तो अपन ने फाइंड कर लिया, अब यहाँ एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए जो लंबा वाला तरीका है मैं उसको शॉर्ट कर दूँ। आप क्या करें, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दें, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, ये मैट्रिक्स है। अब इसको थोड़ा क्या करना, ये इसके अंदर R1, ये R2 है और ये C1, ये C2। आपको क्या करना है, C1, C2 को रिपीट कर देना है, 1, 2, 2, 4, 3, 5। इधर R1, R2 को भी, ये R1, R2 को भी रिपीट कर देना है, तो 1, 2, 3, 2, 4, 5 और फिर इधर से वापस ये 1, 2 और 2, 4। बिल्कुल इजी काम एकदम। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी ये थी, हमने C1 C2 को रिपीट किया, R1 R2 को भी रिपीट कर दिया, ये याद रखना। अब आपको क्या करना, डायरेक्ट इसको अलग कर देना, ये पोर्शन जो है पूरा आप कैंसिल कर दें। अब आपके पास ये बचा, आप फटाफट कुछ नहीं इन दोनों का, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके 24 यानी 24 माइनस 25 यानी कि माइनस एक। फिर इसका इससे करें 15 माइनस 12 यानी कि 3। फिर इसका इससे करें तो 10 माइनस 12 यानी कि माइनस 2। फिर इसका काम हो गया। अब यहाँ से लें, इसको लें 5 तारीख 15 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 3। और इस तरीके से यहाँ पर अगला जो बनेगा इसका इससे कर लें तो ये 6 माइनस 9 यानी कि माइनस का 3। फिर इसका इससे कर लें तो 6 माइनस 5 यानी कि 1। ऐसे ही इसका इससे कर लें तो 10 माइनस 12 यानी कि माइनस का 2। फिर इसका इससे कर लें तो 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी कि 1। और इसका इससे कर लें 4 माइनस 4 यानी कि 0। आप देखो ये इस तरीके से आपके ये जो आया है, ये आपके आया है एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने का तरीका। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है, मैं ऐसे कॉलम वाइज चला और उधर मैंने लिखा रो वाइज, तो इसके पीछे रीजन आपको पता होगा कि अपने को एडजॉइंट ए जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, परिवर्त मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। तो मैंने इसको इधर तो लिया मैंने कॉलम वाइज और उधर मैंने रो में डाल दिया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपके जो ए इनवर्स आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, तो आपके ये जो आपके माइनस वन आया था मोड ऑफ का उससे आप ये आपके पर एडजॉइंट है, तो इन सबको आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1, 0। ये आपके डायरेक्ट क्या आ गया, ए इनवर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका डायरेक्ट ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो प्लस माइनस करते समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहे, ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स इजी वे में बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ और क्वेश्चन में मैंने जो लिया है, जैसे हमारे पास में प्रॉब्लम जो गिवन है वो है इसके अंदर जो 4-5 मैट्रिक्स दे रखी है और उन मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं। मैट्रिक्स ए 2x n ऑर्डर की है, मैट्रिक्स बी 3x k ऑर्डर की है, मैट्रिक्स सी 2x p ऑर्डर की है, डी जो है वो मैट्रिक्स डी जो है वो n x 3 की है और ई मैट्रिक्स जो है वो p x k। यानी आपको पता चल गया होगा इस 2 तो रो और n कॉलम, इस तरीके से 3 रो k कॉलम, तो ये आपके पास में गिवन है। अब ये इसने इससे दो क्वेश्चन पुटअप किए हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, मैट्रिक्स EB+DB इज डिफाइंड, मतलब EB+DB डिफाइंड है। पहली बात तो
तो उस केस में आपके ए इक्वल टू बी, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके पास दे रखे हैं, यानी के इक्वल टू थ्री, पी इक्वल टू एन, पी इक्वल टू टू, के इक्वल टू ऑर्बिट्रेरी, के इक्वल टू थ्री, पी ऑर्बिट्रेरी, मतलब स्वैच्छिक कोई भी एलिमेंट, और के इक्वल टू टू, पी इक्वल टू थ्री, ये हमारे पास दे रखा है। अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे, यहाँ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर हम सबसे पहले इसको ई बी से स्टार्ट करें, तो ई हमारे पास में जो है उसका पी इंटू के है, पी इंटू के, और दूसरा बी जो है, बी मैट्रिक्स है थ्री इंटू के। तो आपको ये देखना है कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है यानी गुणन जो होता है वो कब एग्जिस्ट होता है, जब मैट्रिक्स ई के अंदर कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के अंदर रो की संख्या के बराबर हो, ये अगर बराबर हो, यानी आप देख रहे हो कि इससे जो आपके आएगा वो क्या आएगा, के इक्वल टू थ्री, फिर प्लस डी भी आपके अंदर जो है वो एग्जिस्ट है, यानी डी और बी का मल्टीप्लीकेशन भी एग्जिस्ट है, तो डी आपके पास में क्या है, ये दे रखा एन इंटू थ्री, तो इसको लिखें आप एन इंटू थ्री, और बी जो है आपके पास थ्री इंटू के, मतलब ये जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्री इंटू थ्री होगा, ठीक है। तो इस बेस पे आपके यहाँ जो दोनों ही चीज़ों में आपके पास में ये अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू आपके पास में के आ जाएगा, एक रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया। तो अब इस बेस पे इन दोनों से अगर अपन आगे चले, के तो आ गया थ्री और एन इक्वल टू के आ गया, तो हमारे पास में जो फाइनल इन दोनों को प्लस करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ई बी से जो मैट्रिक्स आएगी वो पी इंटू के ऑर्डर की होगी, पी इंटू के ऑर्डर की, क्योंकि जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन तो इससे बनेगी वो पी इंटू के की, और इससे जो बनेगी वो एन इंटू के की मैट्रिक्स बनेगी, ये एक खास समझने वाली बात है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो उस केस में आपके ये अगर इक्वल आ गया है तो इधर ये जो आएगा वो क्या आएगा, ये भी इक्वल होना चाहिए, मतलब P इक्वल टू क्या होना चाहिए, N, यानी एक रिजल्ट तो आपके आया ये, और दूसरा रिजल्ट आपके K इक्वल टू थ्री आ चुका है, तो ये K इक्वल टू थ्री, पी इक्वल टू एन, ये आपके आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सही आंसर जो हुआ ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया इसने, इफ एन इक्वल टू पी एंड देन, मतलब एन इक्वल टू पी आपके पास गिवन है, ये कह रहा है 3a माइनस 4c की ऑर्डर क्या होगी, कोटि क्या होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि a जो है, आप देख लो a की ऑर्डर क्या है, ये 2 इंटू एन, ठीक है, और उधर c की जो ऑर्डर है वो क्या है आपके 2 इंटू पी, क्लियर। अब अगर ये करोगे तो इसके अंदर 3a अगर करोगे तो भी ऑर्डर वही रहेगी, और उधर अगर 4c करोगे तो भी वही रहेगी। अब आपको पता होगा कि अगर मैट्रिक्स योग और माइनस ये दोनों मतलब कोरस्पोंडेंस एलिमेंट से ही प्लस माइनस होता है, तो उस केस में आपके यहाँ पर ये इक्वल है तो ये भी आपके इक्वल आ जाएगा n इक्वल टू p। तो उस केस में आपके इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपके ये b आ जाएगा इसके अंदर 2 इंटू एन, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैट्रिक्स का, उसने दे रखा है एक मैट्रिक्स p इक्वल टू ए आई जे 3 इंटू थ्री ऑर्डर,
यानी एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसको इसने P से डिनोट किया है। फिर इसने दूसरी शर्त दे रखी है कि P पावर T इक्वल टू 2P+I, मतलब ये जो मैट्रिक्स है P का ट्रांसपोज यानी P का परिवर्त मैट्रिक्स है वो 2P+I के इक्वल है। I 3x3 क्रम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स। और इसमें एक चीज और दे रखी इसने कि x इक्वल टू xyz ये एक मैट्रिक्स है, और इसके लिए इसने कहा कि नॉट इक्वल टू 0 0 0, यानी xyz जीरो एलिमेंट नहीं है। अब अगर ये कंडीशन दी हो, तीन शर्तें दे रखी है, अब ये कह रहा है आपको बताना है कि ABCD में से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जैसे px इक्वल टू 0 0 0, बी px इक्वल टू x, सी px इक्वल टू 2x एंड डी px इक्वल टू -x। हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास में जो चीज़ दे रखी है, कोई ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं करना है, हमारे पास दे रखा है गिवन है वो है pt इक्वल टू 2p+i। मैं इसका क्या करूँ कि पूरे का ट्रांसपोज ले लेता हूँ एक बार फिर से, तो 2 और p पर t और i पर t होगा तो वो i ही रहेगा। अब आपको पता होगा कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस p बन जाता है, और ये 2 और pt की जगह में ये वैल्यू फिर से पुट कर लेता हूँ 2p+i+i। दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 4p+2i+i, दिस इम्प्लाइज माइनस का 3p इक्वल टू 3i, दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू माइनस का i। अब यहाँ हम थोड़ा बहुत कहीं किससे मैच कर रहा, देखो आप कुछ ये इससे मैच कर रहा। अगर मैं इसको दोनों तरफ x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो आप देख लो ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा px=-x, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो ये हो जाएगा। यहाँ मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक तो ये वाली यूज़ की है कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और दूसरा मैंने यूज़ किया है a+b होल ट्रांसपोज इक्वल टू at+bt, ये प्रॉपर्टी मैंने इसके अंदर यूज़ की है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही होगा और ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।